शांति। आज की तारीख है 13/5/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बड़ा प्यारा है। आप भी सुनेंगे, आपको भी ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छा आज का शीर्षक है। वैसे तो रोज अच्छा ही होता है, लेकिन आज कुछ विशेष है। अब क्या विशेष है, आइए सुनते हैं। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हाँ, जब हम एकांत में बैठ के अपने साथ बातें करेंगे तो हमारे मन की स्क्रीन पर कौन होगा, हम ही होंगे। हाँ, मैं स्वयं को ही अपनी स्क्रीन पर देखूंगी और स्वयं से ही बात करूंगी। हम अविनाशी आत्मा हैं, ऐसा ही सोचेंगे ना कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ और फिर मैंने ये देह धारण की है और फिर हम अपनी देह को देखेंगे। लेकिन आज मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज आप बात करो तो बात करते समय आप किसी को सुनते हो तो किसका सुनते हो, किससे सुनते हो, तो किस बात की प्रैक्टिस करो। अभी जब भी हम प्रैक्टिस करें तो क्या करें, बाप से सुनने की प्रैक्टिस करें। अब बाप से सुनने की प्रैक्टिस करने के लिए तो एकांत ही चाहिए, क्योंकि बाप की जो आवाज है वो अंतरात्मा को, अंतरात्मा से वाइब्रेशन से पहुंचती है, इसीलिए एकांत की जरूरत है। प्रश्न है आज का, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन कौन से बोल निकलते हैं। उत्तर है, बाबा कहते हैं, वो कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, अलबेले हैं ना कि हम तो हैं ही बच्चे, इसीलिए हमको कोई विशेष याद करने की जरूरत नहीं, हमें तो याद ही है बाबा, याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझकर बैठ जाना है और रूहानी करनी है। किसके साथ, मीठे मीठे रूहानी बाबा से। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। माना सिर्फ ज्ञान की टिक टिक नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु, नंबर एक है ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। बाबा कहते ऐसे नहीं मुख से ज्ञान निकलता रहे, मन कहीं कहीं भटकता रहे, नहीं, बाबा कहते योग में रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालने हैं। मुख से पत्थर निकालना माना कटु वचन निकालना। नंबर दो शिक्षा है, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूहानी करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है और सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। अच्छा, आज का सतगुरु बाप दादा का वरदान। बाबा कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन
टाइटल स्वरूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे अर्थात अधीन होकर के चलेंगे। देखो कितनी गहरी बात बाबा ने पुरुषार्थ और प्रारब्ध की सुनाई। तो इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो, भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। हाँ, बाबा कहते बार बार वो गुण और शक्तियों के अनुभव जो हुए उन्हें याद करो, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।